हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 7 का सीबीएसई का हनीकॉम्ब का चैप्टर ए बाइसिकल इन अ गुड रिपेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय जीरोमी के जीरोमी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपके पास बाइसिकल है और आप जो है एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाना चाहते हो। ऑफ कोर्स आप जरूर जाना चाहते होंगे और जब आप जाना चाहोगे तो ये जरूरी है कि आपकी जो साइकिल हो वो गुड कंडीशन में हो, या फिर जाने से पहले आप साइकिल मैकेनिक को जरूर दिखाना चाहोगे। ऐसे ही हमारी आज की स्टोरी है। हमारी स्टोरी के जो नरेटर है जीरोमी के जीरोमी, ये अपनी फ्रेंड के साथ एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाते हैं और जो नरेटर की बाइसिकल होती है इट वॉज इन गुड कंडीशन एंड डिडंट नीड एनी रिपेयर। लेकिन जो इस स्टोरी के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उनके जो फ्रेंड है वो उनकी साइकिल को अननेसेसरली डिस्टर्ब कर देते हैं। फर्स्ट ही टुक आउट फ्रंट व्हील, आफ्टर देन गियर केस एंड नेक्स्ट विक्टिम वाज हिज साइकिल चेन। और फिर क्या होता है यही हम आज की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। And if you not subscribe my channel, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएं। और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ए बाइसिकल इन अ गुड रिपेयर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride. एक शाम जो है मेरे जो जान पहचान वाले थे I knew जिन्हें मैं जानता था proposed किया प्रस्ताव रखा one evening we should go for a long bicycle ride कि हम जो है एक शाम जो है लंबी ride पर bicycle ride के लिए जाएंगे together on the following day. कल जो है हम बाइसिकल पर एक लंबी राइड पर जाएंगे एंड आई अग्रीड और मैं जो है इस बात के लिए अग्री हो गया, सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली और मैं सुबह जल्दी उठा। फॉर मी आई मेड एन एफर्ट और मुझे जो है इसके लिए कोई एफर्ट करना पड़ा एंड आई वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ और मैं अपने आप से इस बात से खुश था। ही केम हाफ एन आवर लेट कि वो आधा घंटा जो है हाफ एन आवर जो है वो लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन और मैं उसकी गार्डन में जो है वेट करता था। It was a lovely day. एक बहुत अच्छा दिन था, lovely day था। He said that's a good looking machines of yours. और वो कहने लगा कि तुम्हारी जो साइकिल है, मशीन को यहाँ पर बोला हुआ है साइकिल है, means उसका मतलब कि तुम्हारी जो साइकिल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। How does it run? ये चलती कैसी है? Oh, like most of them. I answered, जैसे दूसरी चलती हैं, जैसे जो ऑथर ने आंसर किया कि जैसे दूसरी साइकिल्स चलती हैं वैसे ही मेरी चलती है। लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया। इजली इनफ इन द मॉर्निंग गोज अ लिटिल स्टीफली आफ्टर लंच। उसने कहा कि जो सुबह के इजली इनफ इन द मॉर्निंग, जो सुबह जो है बड़ी आराम से चलती है, इनफ इन द मॉर्निंग आराम से इजली चलती है एंड गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच और लंच के बाद थोड़ी सी भारी चलती है। इसके बाद जो कहते हैं ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉक एंड शोक इट वायलेंटली और कहता हो कि उसने जो है जो उसके साथ जो परिचित आदमी था, नोन आदमी था, उसने कहा और उसने जो है उसके साइकिल के कोट होल्ड ऑफ इट, इट ये जहाँ पर जो है इट जो है साइकिल के लिए यूज हुआ है और उसने जो है साइकिल के अगले पहियों को जो है फ्रंट व्हील कोट बाय इट ऑफ द फ्रंट व्हील एंड द फोक, फोक मीन्स यहाँ एक चिमटे के साथ जो है उसने जो है साइकिल के अगले व्हील को पहिए को पकड़ा एंड शॉक इट वायलेंटली और जोर से हिलाया।
आई सेड डोंट डू इट दैट यू विल हर्ट इट, तुम ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, इसे तुम नुकसान कर दोगे, इसे तुम खराब कर दोगे. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि उसने उसे क्यों हिलाया. इट मीन्स साइकिल के यूज हुआ कि साइकिल को उसने क्यों हिलाया. इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम, और इसके अलावा उसे हिलाए जाने की जरूरत भी नहीं थी. बिसाइड्स इफ इट वॉन्टेड शेकिंग, और उसे जो है हिलाए जाने के लिए जरूरत भी होती, तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो मैं उसके लिए, उसे इस काम के लिए जो था, मैं एक बिल्कुल सही आदमी था. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड टू स्टार्ट इट विकलिंग माई डॉग. विकलिंग मीन्स पीटना, तो मुझे ये उतना ही, आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकली, आई फेल्ट मच, और मुझे इतना ही महसूस होता, इतना ही बुरा लगता, जितना कि एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, अगर वो मेरे डॉग को पीटना शुरू करता. ही सेड दिस फ्रंट व्हील्स वोबल्स, वोबल्स मीन्स हिलना, तो उसने कहा कि जो मेरे फ्रंट डोर है, मेरा जो आगे का जो साइकिल का व्हील है वो हिलता है. आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वोबल इट, मैंने कहा कि अगर तुम इसको नहीं हिलाओगे, अगर तुम डजंट इट, अगर तुम इसे नहीं हिलाओगे, यू डोंट वोबल इट, तो ये नहीं हिलता है. इट डिड नॉट वोबल, ये नहीं हिलता, बिल्कुल भी नहीं हिलता, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल, और इसमें ऐसा हिलने वाला जो है कुछ भी नहीं दिखाई देता. ही सेड दिस इज अ डेंजरस, उसने कहा कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है. हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास, हैमर मीन्स हथौड़ा, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है. आई ओट टू हैव बीन फर्म, लेकिन मैंने जो सोचा कि बट आई थॉट, मैंने सोचा दैट परहैप्स कि मुझे, आई ओट टू बी हैव फर्म, मुझे अपनी बात पे अड़िग रहना चाहिए था, बट आई थॉट दैट परहैप्स इट रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, और मैंने सोचा कि शायद उसे इस काम के बारे में कुछ सचमुच ही वो कुछ जानता होगा. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वट आई कुड फाइंड, और मैं जो है जो टूल शेड था वहां पर गया, और जहां पर औजार मिलते हैं, टूल मीन्स औजार, और व्हाट आई कुड फाइंड, और जो कि कोई चीज में कोई जो टूल है मुझे मिल जाए. व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, तब जब मैं वापस आया तो वो अपने जो साइकिल के जो है अगले व्हील को अपनी टांगों के बीच में लेकर जो है जमीन पर जो है ग्राउंड पर बैठा हुआ था. ही वॉज प्लेइंग विद इट, और वो उसके साथ खेल रहा था. ट्विटलिंग इट अराउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, ट्विटलिंग मीन्स घुमाना, और वो जो है उसे उंगलियों के साथ, अपनी फिंगर्स के साथ जो है घुमा रहा था. द रिमेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, ग्रेवल पाथ मीन्स जो पथरीला रास्ता, और जो उसके साइकिल के जो बाकी के पार्ट्स थे, रिमिनेंट ऑफ द मशीन, मशीन यहाँ पर साइकिल, और रिमिनेंट जो बाकी के पार्ट्स थे, वो जो पथरीला रास्ता था, ग्रेवल पाथ था, उस पर जो है बिखरे रास्ते पर वो जो है पड़े हुए थे. ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वॉज ऑल रॉन्ग, और उसने कहा कि इट लुक्स टू मी, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो सभी बियरिंग्स हैं, जो सभी इसकी जो गोलियां जो होती हैं वो बियरिंग वाली, तो ये सभी जो है खराब हो गए हैं. आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, मैंने कहा कि तुम जो है इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, और तुम जो है खुद को जो है तुम थका दोगे. Let's us put it back and get off. हम इसे वापिस, अब जो है इसे वापिस लगा दो और हम जो है चल पड़ते हैं.
He said, we may as well see what is the matter with us. Matter means मामला. तो उसने कहा कि अब तो हम पता तो लगा लें कि इसमें क्या मामला है, इसकी क्या इसमें खराबी है. और now it is out. अब तो ये खुला हुआ है. And he talked as through it had dropped out by accident. और वो ऐसे कह रहा था जैसे ये सारा जो खुल गया था सामान साइकिल का, ये बाय एक्सीडेंट खुल गया था, किसी दुर्घटना के कारण खुल गया था. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर. अनस्क्रूड मतलब खोल देना. तो इससे पहले कि मैं उसे जो है बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, मैं उसे कुछ रोक पाता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर. उसने जो है सब कुछ जो है मैं इससे पहले उसे कुछ रोक पाता, उसने सारे कहीं से उसके सारे पेज खोल दिए. एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन ऑफ और सो लिटिल बॉल्स. और उसने रास्ते में जो डजन दर्जनों भर छोटी छोटी जो है वो बॉल्स जो थी वो सारी बिखेर दी. कैच हिम ही शाउटेड, और कहने लगा कि उन्हें पकड़ो. वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हम उसमें से कोई एक भी ना खो दें. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और उसके बारे में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. एंड वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, और जो ग्रोवल्ड मीन्स जमीन पर रेंगना, हम दोनों जो थे वी ग्रोवल्ड राउंड द हाफ एन आवर, और हम दोनों जो है जमीन पर जो है आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक ऐसे ही जमीन पर लेटे रहे. एंड फाउंड 16, और हमने जो है हमें जो है 16 जो बॉल्स थी वो हमें मिल गई. ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, और उसने कहा कि शायद हमने सारी ही होप्ड जो है वी हैड गॉट देम ऑल, हमने सारी ही हमें जो बॉल्स थी वो मिल गई हैं. बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, अगर हमने, क्योंकि अगर हमने नहीं सारी की सारी वो बॉल्स उठाई हैं तो इससे जो है जो मशीन है, जो साइकिल है, उसमें बहुत सारी जो है सीरियस डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा गंभीर परेशानी उसमें हो जाएगी. आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, और मैंने जो है सेफ्टी के नजरिए से मैंने जो है उन्हें अपनी टॉप कैप में जो है उसे अपनी हैट में रख लिया. इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, और मैं कहता हूँ आई एडमिट, और मैं ये जो है कोई बुद्धिमानी वाली कोई बात नहीं थी, कोई सेंसिबल थिंग नहीं थी, और मैं इसको एडमिट करता हूँ, इसको मैं स्वीकार करता हूँ.